दोस्तों आजकल हम सभी के फोन में बैंकिंग एप्स मौजूद होते हैं। हम सभी नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और खास करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह इन यूपीआई एप्स का इस्तेमाल भी करते हैं, राइट। और ऐसे में आपको जरूर चाहिए कि आपके मोबाइल फोन में कोई वायरस या कोई इस तरह का मेलवेयर नहीं होना चाहिए, वरना आपके ये डेटा तो लीक हो सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में हाल ही में जो गूगल प्ले स्टोर पर एक नया तरह का मालवेयर आया, यूजर्स के जाने बिना ही ये मालवेयर क्या कर रहा है, यूजर्स को महंगी प्रीमियम सर्विस दिला रहा। एक रिसर्च में ये दावा किया गया कि 30 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स में ये मालवेयर मौजूद है। और ऐसे में आपको यहाँ सावधानी ये बरतनी है कि जिन 8 मोबाइल एप्स में ये मालवेयर पाया गया है, अगर आप भी उन एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत अपने फोन से उनको डिलीट कर दें, उन एप्स को अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये मालवेयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। 8 में से 6 एप्स पर तो गूगल ने भी एक्शन लिया और उनको प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन 2 मालवेयर एप्स अभी भी एक्टिव है। आए दिन आपको पता होगा प्ले स्टोर से गूगल कंपनी कई तरह के ऐसे फेक एप्स पर एक्शन लेती रहती है। जो एप्स बाहर तो कोई दूसरी काम करते हैं, दूसरी वर्किंग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन एप्स में मालवेयर्स भी मौजूद होते हैं जो आपके फोन से डेटा चुराते हैं और जो आप नहीं चाहते हो वो वर्किंग भी आपके फोन पर करवाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 8 एप्स हैं जिनको आपको तुरंत डिलीट करना है। वैसे तो एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से हजारों ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन कई बार इन एप्स में कुछ मालवेयर छिपे होते हैं। प्ले स्टोर इन मालवेयर से बचने के लिए अपडेट्स भी लाता रहता है और ऐसा ही एक नया मालवेयर गूगल प्ले स्टोर पर मिला है जिसका नाम है ऑटो लाइकोस। और ये ऑटो लाइकोस मालवेयर जो है ना, ये गूगल प्ले स्टोर के 8 एप्स पर मौजूद था, जिनमें से 6 एप्स पर तो गूगल एक्शन ले चुका है, 2 मालवेयर एप्स अभी भी एक्टिव है और उन 6 एप्स पर जिन पर गूगल ने एक्शन लिया वो भी अगर आपके फोन में इंस्टॉल्ड है तो भी आपके लिए खतरे की घंटी है। एक रिसर्च में ये दावा किया गया कि इन 8 एप्स को 30 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया, मतलब कि 30 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स में ऑटो लाइकोस मालवेयर मौजूद है। और ऐसे में दोस्तों ये ऑटो लाइकोस मालवेयर जो है ये किन किन एप्स में मौजूद है, किनको आपको डिलीट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये भी जान लो कि मालवेयर आखिर होता क्या है। किसी सिस्टम में गड़बड़ी लाने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मालवेयर को डिजाइन किया जाता है। ये एक तरह का प्रोग्राम ही होता है। जो कंप्यूटर में होता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, अगर जो मालवेयर मोबाइल के लिए बना हुआ तो उसे मोबाइल का प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक तरह का प्रोग्राम ही है, लेकिन ये इलीगल होता है। इस प्रोग्राम में कोडिंग इस तरह से की जाती है कि ये आपकी डिटेल्स चुरा सकता है। आम यूजर को मालवेयर सिस्टम फ्रेंडली लगता है, इसलिए प्ले स्टोर ऐसे एप्स की जानकारी समय समय पर देता रहता है। ऑटो लाइकोस का भी कुछ ऐसा ही काम है। रिसर्च में ये दावा किया गया है कि ऑटो लाइकोस से बैंक खाते में चोरी जैसे बड़े मामले भी सामने आ सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑटो लाइकोस काम कैसे करता है, देखिए रिसर्च में ऑटो लाइकोस की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताया गया। ऑटो लाइकोस सेफ लिंक URL से काम करता है, इससे इसकी गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। कई बार मालवेयर युक्त इन एप्स ने SMS से सिस्टम में घुसने की कोशिश की है। ये मालवेयर यूजर्स को बिना जानकारी प्रीमियम सर्विस दिला देता है, जिसका पैसा उनके बैंक खातों से कट जाता है। कुछ यूजर्स को अपनी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद ऐसी गड़बड़ी के बारे में पता चला, तब तक उनके खातों से सब्सक्रिप्शन चार्ज भी कट गया था। तो ये मालवेयर फिलहाल तो इसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन ये आपके बैंक खाते में थोड़ा और डीप घुस गया ना, तो आपके खाते से डायरेक्टली पैसे भी कट सकते हैं। आइए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि किन किन 8 एप्स को आपको डिलीट करना है। ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये एप्स हैं जिनमें ऑटो लाइकोस मालवेयर डिटेक्ट किया गया। नंबर 1 एप्स हैं व्लॉग स्टार वीडियो एडिटर, इसको 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया है, इसको आपको डिलीट करना अगर आपने इंस्टॉल कर रखा तो। दूसरा ऐप है क्रिएटिव 3D लॉन्चर, इसको भी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। तीसरा ऐप है केली टेक का फनी कैमरा, अगला वाव ब्यूटी कैमरा। एक और ऐप है जिफ इमोजी कीबोर्ड, और इसके अलावा 3 और एप्स हैं फ्रिगो कैमरा 1.0, कोको कैमरा वर्जन 1.1, रेजर कीबोर्ड और थिम्स। ये जितने भी एप्स हैं ये कई तरह के मतलब डिजाइनिंग वगैरह के एप्स हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग के एप्स हैं, इनको आप अपने फोन से तुरंत डिलीट कर लें, क्योंकि इन सभी 8 एप्स में ये ऑटो लाइकोस मालवेयर डिटेक्ट किया गया। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी जरूर जानने मिली होगी। आए दिन गूगल प्ले स्टोर की तरफ से ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं और मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताता भी रहता हूं, है ना। तो इसी तरह के काम की खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, ताकि उनके फोन में भी कहीं ये एप्स डाउनलोडेड हैं तो वो भी तुरंत डिलीट करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके दोस्तों को फ्रॉड होने से बचाने की, राइट। तो शेयर कर दीजिए अभी का अभी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।